अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले उर्दू लैंग्वेज में जो सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, उनकी पहचान को समझना पड़ेगा कि हम कैसे उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उर्दू में जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं या किसी और टेंस के हैं। तो उर्दू सेंटेंसेस में जिन सेंटेंसेस के एंड पे आखिर में ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं, ती हूँ वगैरह इस तरह के अल्फाज आए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। ये इनकी उर्दू में पहचान है। फॉर एग्जांपल, वो खत लिखता है तो देखिए इसके एंड पे ता है आया है। तो जिस तरह मैंने बताया है कि जिसके एंड पे ता है आए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। एक और एग्जांपल है, वो गाना गाती है, ती है इसके एंड पे आया है तो ये हमारे लिए एक आइडेंटिफिकेशन मार्क है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इसी तरह मैं साइकिल चलाता हूँ, ता हूँ, इस तरह मैंने यहाँ पर भी बताया। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होंगे जिनके एंड पे इस तरह के अल्फाज आएँ तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस होंगे। ये इस टेंस की उर्दू में पहचान है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि जब हमें इस चीज़ का पता चल जाए कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है उर्दू लैंग्वेज में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो फिर हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो उसका ये एक फार्मूला है कि जब आपको पता चल जाए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ फिर एस या ई एस, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और एंड पे फुल स्टॉप। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग फैक्टर है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हमने लगा दी, अब उसके साथ एस लगाएंगे, ई एस लगाएंगे या एस या ई एस कब नहीं लगाएंगे। इसके लिए दो कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है कि अगर जो हमारा सब्जेक्ट है वो ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो। सिंगुलर नाउन का मतलब है कि किसी एक नेम हो, लाइक अली या बॉय या गर्ल, यानी कि कोई एक नाम हो तो उसको हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। तो अगर ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन आए तो, अगर यानी कि इन सब्जेक्ट में से कोई आए तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ डेफिनेटली एस या ई एस लगेगा और इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब दूसरी कैटेगरी है कि अगर जो हमारा सब्जेक्ट है वो आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन हो। प्लूरल नाउन का मतलब है कि कोई जमा का नाम हो, जिस तरह बॉयज, गर्ल्स, इस तरह का कोई नाम हो तो वो आता है प्लूरल नाउन में। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारा सब्जेक्ट इनमें से कोई एक हो तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये चीज़ हमने याद रखनी है कि अगर तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डेफिनेटली एस या ई एस लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और एंड पे फुल स्टॉप। और अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन है तो उसके साथ वर्ब की सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। एक और बात मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस में होगा। जब हम सिंपल सेंटेंसेस बना रहे होंगे तो ये दोनों कैटेगरीज को हम फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि चलो ये पहले वाली कैटेगरी है कि ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस वर्ब के साथ हमने एस लगाना है या इसके साथ ई एस लगाना है। तो स्टूडेंट्स, इसको याद रखने की एक ट्रिक है, अगर तो हमारा जो वर्ब है उसकी एंडिंग ओ पे हो रही है या
उसकी एंडिंग डबल एस पे हो रही है या उसकी एंडिंग सी एच पे हो रही है या फिर एस एच पे। तो अगर हमारे वर्ब की एंडिंग इन लेटर्स के साथ हो रही है तो इसके साथ हम ई एस लगाएंगे। इसके मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ आपकी आपको, लाइक ओ है तो अगर एक वर्ब है गो, तो इसकी एंडिंग देखिए ओ पे हो रही है तो इसके साथ ई एस आएगा। एक और वर्ब है एक्सप्रेस, आप देखिए इसकी एंडिंग जो है वो डबल एस पे हो रही है तो इसके साथ भी ई एस लगेगा। अब एक और वर्ब है कैच, अब देखिए इसके एंड पे सी एच आया तो इसके साथ भी ई एस लगेगा। इसी तरह एक और वर्ब है स्मैश, इसकी एंडिंग देखें एस एच पे हुई है तो इसके साथ भी ई एस लगेगा। तो यानी कि ऐसे तमाम वर्ब जिनकी एंडिंग इन लेटर्स पे हो तो उनके साथ हम ई एस लगाएंगे, बाकी जितने भी वर्ब आएंगे उनके एंड पे हम एस लगाएंगे। तो ये सिर्फ इस कैटेगरी में, अगर तो हमारा सब्जेक्ट इन में से कोई एक आ जाए तो उसके साथ तो फिर हम एस या ई एस लगाएंगे ही नहीं, ये सारा जो सिस्टम है ये ख़त्म हो जाएगा। अब हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये है वो खत लिखता है, तो इसमें स्टूडेंट्स हमने ये देखना है कि पहली बात तो इसके एंड पे ता है आया है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब फिर हमने इसमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, इसमें सब्जेक्ट है वो मीन ही, तो ही इस कैटेगरी में है। इसका मतलब है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या ई एस लगेगा। अब हम देखते हैं जी ही, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, वर्ब इसमें है लिखना राइट, तो राइट। अब देखिए इसके एंड पे इनमें से कुछ भी नहीं आया तो इसका मतलब है इसके साथ ई एस नहीं लगेगा, एस लगेगा। ही राइट्स अ लेटर, एंड पे हम फुल स्टॉप लगा देंगे। स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस के एंड पे फुल स्टॉप लगाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेंटेंस है वो गाना गाती है, अब अगेन इसमें वो शी तो ये वाली कैटेगरी है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गाना गाना सिंग। अब इसकी एंडिंग भी देखें इन में से किसी के साथ नहीं हो रही तो इसके साथ भी सिर्फ एस आएगा और एंड पे ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं साइकिल चलाता हूँ, इसके एंड पे ता हूँ आया है। और अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो चीज़ याद रखने वाली है, मैं यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है आई, अब देखिए आई कौन सी कैटेगरी में, ये दूसरी कैटेगरी में आ गया तो इसके साथ क्या होगा आई राइट। अब ये मैंने वर्ब लगा दिया साइकिल चलाना राइट, इसके साथ ना एस लगेगा ना ई एस लगेगा क्योंकि अब ये इस कैटेगरी में से है। आई राइट अ बाइसिकल। नेक्स्ट हम क्रिकेट खेलते हैं, अब इसमें भी देखें जो हमारा सब्जेक्ट है वो वी इस कैटेगरी में से आया है तो इसके साथ भी हम वर्ब की सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वी प्ले क्रिकेट। अब देखिए इसमें क्योंकि इस कैटेगरी में से सब्जेक्ट आया तो वर्ब की सब्जेक्ट उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दैट्स इट, इसके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। अब मैं खाना पकाती हूँ, अब देखिए इसमें सब्जेक्ट जो है मैं यानी कि अगेन आई तो आई कुक, खाना पकाने की जो इंग्लिश है वो कुक होती है, आई कुक मील। अब देखिए स्टूडेंट्स मैंने इसमें भी एस या ई एस नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि ये इस कैटेगरी का सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब की सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं वो पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।